तुम्हें बताया होगा, एक लंबी लिस्ट दी होगी तुम्हें। एलिफ ऐसी लड़की नहीं है। छोड़ो बेटा, रहने भी दो, अब मुझे ना ये सब बताओ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। क्या हुआ, क्या बताया उसने? एक मिनट रुको जरा, पहले तुम, मैं इससे बात कर लूं। कुछ बताया उसने? क्या तुम किसी राणा कराए को जानती हो? तरह सोच कर बताओ। ये ठीक है क्या? बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा है, ले लो ताकि चलें। अब तो पता चल गया ना, थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी सामान लेने के लिए। अब जान छोड़ो ताकि मैं काम खत्म करूं। मुझसे किसने इजाजत ली थी? हाँ, मेरे बच्चे को दफन करते वक्त मुझसे पूछा? ये फाइल मुझे दे दे। उनके स्टडी रूम में रखने का ऑर्डर है। शाहीन भाई, ठीक है, आ जाए आप अंदर। ये क्या हो रहा है? आइए, ऊपर उस तरफ स्टडी रूम है। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। स्ट्रेस के साथ मैच ही नहीं कर रहा। नो, ये ओ नहीं, ये ठीक है। तोबा, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मुझे याद आया, हाँ वो भी तो है। आप यहां पर क्या करने आए हैं? कुछ नहीं, कई सालों से ये हमसे मिलने आते रहे हैं। खास मेहमानों की तरह आते थे ये लोग। तुम्हारे बाबा भी जानते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर इनसे मिल लूं।
शायद आगे ये मौका मिले या नहीं। शाहीन भाई आप ठीक तो है ना, क्या हम कहीं बैठकर बात करें? अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा डेनिस। ये ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, इसे ट्राई करती हूँ मैं। हुलिया, कुछ खाने के लिए बनाया है, आओ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, पापा का इंतजार है, आज मैं खाना उनके साथ खाना चाहती हूँ। है मर्जी तुम्हारी। देखिए आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरा इस कब्र को खोदना जरूरी है। आप हमारे साथ चलें, वहां बताइएगा कि मसला क्या है। देखिए सिर्फ एक बार देख लूं, आप समझ क्यों नहीं रहे, मुझे बस ये देखना है कि उसमें मेरी बेटी है या नहीं। मैं समझ रहा हूँ लेकिन ये मुमकिन नहीं है, कोर्ट से इजाजत लेना जरूरी है, चलो। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं 20 साल से इंतजार कर रही हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा सामान है भाई? नहीं नहीं बस एक संदूक है, मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ, वापस भी मुझे यहाँ से ले लेना। ठीक है। डेनिस यार मेरा ख्याल है किसी दिन लड़कियों के साथ बाहर मछली खाने चलते हैं। बिला वजह कोशिश ना करो, सोहेला अगर चाय भी पिला दे तो शुक्र करना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है यार, अब तो तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे साथ है। अच्छा ना ठीक है, मेरी शादी हो जाए फिर तुम्हारा भी कुछ करते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये हुई ना बात। गाड़ी आ गई है बाहर। मेरा भी काम खत्म हो गया है। सारा सामान ऐसे ही रखा है, इसमें ऐसा क्या है जो यही अलमारी लेकर जा रही है?
आए आए, बताती हूँ कौन सा सामान लेकर जाना है। क्या है इसके अंदर? ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई इंसान हो। क्या मतलब है? एक तो चीजें हैं इसमें मेरी, उठाओ इसे। आ गया। मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे तुम? मैंने सोचा काम खत्म करके बात करूं। अभी तक काम खत्म नहीं किया बेवकूफ। अभी बात नहीं कर सकता मैं, टेनिस आ गया है लिफ्ट घर। ये क्या है? हाँ, मेरा सामान है ये, मेरा। चलो जल्दी लेके जाओ इसे। हुलिया शिफ्ट हो रही है ना? लेकिन कहाँ? बताया था ना कि कमांडो के घर जाना है मैंने। ये क्या कर रहे हो बेवकूफों? ऐसा क्या सामान है इसमें? एडम आओ जरा हेल्प करें। नहीं नहीं, रहने दो आप लोग, ये उठा लेंगे। बहुत भारी है यार ये तो। हाँ। यार कितना वजनी है, ऊपर उठाओ इसे। खुद मेरी मदद कर रहा है, अपने हाथों से मेरे हवाले कर रहा है। आगे कर दो इसे थोड़ा सा। ठीक है बस अब जल्दी से लेकर जाओ इसे। मगर ये कहाँ जाएगा? मालूम है इन्हें, मालूम है। यहाँ खड़े मेरा मुखिया देख रहे हो, जल्दी से ले जाओ इसे यहाँ से। तुमने बिला वजह सामान भेजा है। मैंने अलिफ से बात कर ली थी, वो घर में तुम्हें अपने साथ ही रखती। हाँ, मगर इतनी जल्दी सब करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अलिफ कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? शॉपिंग के बाद उसे घर छोड़ दिया था। शॉपिंग की चीजें तो यहाँ है लेकिन वो नहीं है, हम समझे तुम्हारे साथ है। नहीं तो शाम में मिलते हैं यही कहा और चला गया था। तो फिर एलिफ कहाँ है? चलो 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 चलो। आवाज़ बंद करो।
हम घर जा रहे हैं। मैंने उस बेवकूफ को समझाया था कि एलिफ मेरी होगी, मगर उसने यकीन नहीं किया। देखो अब तो मेरे पास हो। धोखे पास हो तुम, हमारे दुश्मन हो। डेनिस छोड़ेगा नहीं तुम्हें, तुम्हें हिसाब देना होगा। मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं हर तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। क्या डेनिस भी तैयार है? जी कहिए। ये क्या है? ये फाइल आज आई है। कौन लेकर आया था? कोई ऑफिसर देकर गया है। ठीक है तुम जाओ। ठीक है। यस बोलो। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, आपको एक जरूरी बात बतानी है। कोई बात नहीं बताओ तुम। राणा साहिबा के हवाले से। क्या राणा? जी हाँ, इस वक्त वो हमारे पास है। खरी तो है, उसने कुछ किया है क्या? असल बात का तो मुझे भी इल्म नहीं है कमांडर साहब, लेकिन वो ठीक नहीं लग रही। कब्रिस्तान से कॉल आई थी, वहां से इनके बारे में शिकायत की गई थी। कब्रिस्तान से? वहां क्या कर रही थी? अपनी बेटी की कब्र खोलने की कोशिश कर रही थी, शायद इनको कोई शदीद सदमा पहुंचा है। हमने इन्हें बहुत कहा कि हॉस्पिटल चलें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मैंने सोचा कि आपको बता देना बेहतर होगा। अच्छा किया तुमने, मैं बात कर लूंगा उससे, आपका शुक्रिया। और अगर ये बात हम दोनों में रहे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है कमांडर, आप फिक्र ना करें। आपका बहुत शुक्रिया। शनाई, शनाई, शनाई। जी जान। आओ यहाँ बैठो। एक इत्तला आई है, उसे उठा लिया गया है। संजार, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। डेनिस ये तो नहीं समझेगा कि ये सब कुछ हमारा किया हुआ है। काम हो जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो समझे या ना समझे। हेलो जी, हुक्म करें कमांडर। बिल्कुल ठीक है, अभी आ रहा हूं। इस वक्त क्या काम पड़ गया उन्हें? जाकर ही मालूम होगा। गुड बाय। ओके। उफ, 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 पागल हो गई है ये राणा। अभी इब्राहिम से जान छूटी ही थी कि ये सामने आ गई। आखिर कौन डाल रहा है ये बातें उसके दिमाग में? तुमने सारा सच तो नहीं बता दिया उसे, हैं? हर बात की जिम्मेदारी मेरी नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि राणा एक दिन सच्चाई जरूर जान जाएगी। सब कुछ तुमने किया, गलती तुम्हारी है। मैं गलती नहीं करता। कुदरत, कुदरत कराए। कुदरत तुम ठीक हो ना? कुदरत कराए। ये लो पानी पियो।
आपसे मिलने के लिए संजार साहब आए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ऑफिसर संजार को बताता हूँ ये सब, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए ये सारा। बात सुनो, अगर राणा ने फोन किया तो उससे हरगिज बात नहीं करनी। तुम उसका फोन ही नहीं उठाओगी, हाँ? सुन लिया ना क्या कहा है मैंने? अच्छा ना? इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एलिफ जरूर मुश्किल में है। घूमने गई होगी। क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ घूमने गई होगी? एलिफ ऐसी लड़की है क्या? गुस्सा ना करो, पैसे दिए थे ना उसे कुछ लेने के लिए, क्या पता कुछ लेने चली गई हो। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, हॉस्पिटल वगैरह भी देख लेंगे रास्ते में। चलो चलें। ये फोन अपने पास रखो, अगर मालूम हो तो बता देना। अच्छा ठीक है। यार हम जाके पड़ोसियों से ना पता कर लें, शायद किसी ने उसको देखा हो। सही कहा तुमने, तुम घर पर रहो, शायद वो थोड़ी देर में आ जाए। मेरी बात सुनो, ये सेल फोन तुम लोग मुझे दे जाओ, अगर वो आई तो डैनी से बात कर लेगी। चलो चलो। तंग नहीं करोगी तो खोल दूंगा। फोन है ना, वो जान गया है कि तुमने मुझे अगवा किया है, वो मुझे बचा लेगा। खामोश हो जाओ तुम, उठाओ फोन, कहो उसे मैंने अगवा किया है। डरपोक, तुम में हिम्मत नहीं है ना? अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम डर गए ना? मैं हूं तुम्हारी पार्टनर खुलिया। तुम पागल तो नहीं, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? डेनिस ने खुद अपना फोन दिया है, हर जगह एलिफ को ढूंढ रहा है। मुझे ये बताओ एलिफ का क्या हुआ? मेरा नंबर देख के वो समझ जाएगा। वो जान गया है कि एलिफ के साथ कुछ गलत हुआ है। तो फिर मैं क्या करूं? संजार साहब ने तुम्हें बताया है ना कि क्या करना है। कमांडर को तुम कैसे जानती हो, उनके बारे में कैसे मालूम? मैं उनके घर में ही तो रहती हूँ, दिन रात उनकी बातें सुनती हूँ। मजाक मत करो तुम। कान खोल कर मेरी बात सुन लो, पुलिस के पास गया है डेनिस, वो कहीं तुम तक पहुंच ही ना जाए, जल्दी ही कुछ कर लो। मेरी बातें सुन रही थी तुम? डेनिस से बात नहीं कर रहा, ये तो जान गई होगी तुम। तो फिर कौन हो सकता है? इस खेल में इतने लोग शामिल हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। चाहो तो उनमें से एक का बता सकता हूँ। चलो
देख कर बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें जिन्होंने अगवा करवाया है वो डेनिस के बाबा हैं, यानी तुम्हारे मुस्तकबिल के ससुर। झूठ है ये, वो तो खुद रिश्ता लेकर आए थे। कितनी भोली हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारे ससुर नहीं चाहते कि ये निकाह हो, कहते हैं जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका जरूर दूंगा, मुझे प्यार करने का आखिरी मौका। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, हाथ मत लगाना मुझे, छोड़ो। कौन रोकेगा मुझे? डेनिस कहाँ है वो? यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, समझी तुम और मैं। क्या हुआ एडम, कुछ मालूम हुआ? सभी हॉस्पिटल में देख लिया है, कहीं भी नहीं है। कहाँ चली गई ये लड़की? निकाह कर ले, आज कहाँ चली गई? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना उससे? नहीं, हम शॉपिंग पर साथ ही थे, इकट्ठे थे, सब कुछ ठीक था। डेनिस, तुम्हारी अम्मी ने तो उसे कुछ नहीं कहा था ना? हो सकता है उनकी कोई बात उससे बुरी लग गई हो और वो कहीं चली गई हो। राणा साहिबा, गाड़ी इस तरफ है, मैं खुद चली जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप चाहें तो मुझसे बात कर सकती हैं। जिससे बात करनी है वो आप नहीं हैं, डर की वजह से वो खुद नहीं आए ना। आप गलत समझ रही हैं कुदरत कमांडर, जल्द ही मुनासिब वक्त निकाल कर आपसे मिलेंगे। वो यहाँ इस वक्त इसलिए नहीं आए कि उन्हें यहाँ आने के लिए कोई भी खास वजह नजर नहीं आई। ये कहने के लिए कहा था आपको, तो फिर प्लीज उनसे कहें कि अब से ऐसी कोई वजह नहीं रहेगी, मैं अपनी बेटी के मुतालिक सब बातें सामने लेकर आऊंगी। कुछ ही देर में गाड़ी आ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। इब्राहिम, मुझे तुमसे मिलना है। खैरियत है राना, क्या कुछ हुआ है? बेटी की कब्र पर आ जाओ। ये क्या कह रही है तुम? लगता है हमारी बेटी जिंदा है इब्राहिम। गुस्सा ठंडा हो गया? अब तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, खोल दूंगा तो खा लोगे क्या? आओ मैं खोल दूं। मैं अपने पांव खोल सकती हूँ क्या? ठीक है। ठंडा है तो दोबारा गर्म कर दूं मैं? जरूरत नहीं है। एलिफ, तुम और डेनिस एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं लगते,
तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रहोगी। लेकिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। कमांडर बार बार पूछ रहा है लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या चाहते हो मुझसे ज़िया? डैनी से फोन करके कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस इतना ही। इसके बाद मुझे छोड़ दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, जब तक यकीन ना हो मुझे। एलिफ प्लीज मुझे एक मौका तो दो, मुझे इस बुराई से तुम बचा सकती हो। नहीं दूंगी मैं मौका। तो कबूल है तुम्हें? ये लो, ये लो। इसका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें एलिफ। रुको फिल्स, एलिफ कहीं डर तो नहीं गई? डेनिस के माँ बाप रिश्ता तो लेकर आए थे पर ऐसा लग नहीं रहा था, शायद वो खुश नहीं थे। पता नहीं, मुझे बहुत खुश थी मगर अगर ऐसा कुछ होता तो बता देती। सुहेला, ये तो क्लोरोफॉर्म की बोतल है। हुलिया, हुलिया, जल्दी से फोन दो मुझे। क्या हो गया यार? एड्रून को फोन करना है। अंदर से क्लोरोफॉर्म की बोतल मिली है, हो सकता है एलिफ किडनैप हो गई हो। रुक जाओ, वरना सोचे बिना गोली मार दूंगा। अम्मी आपने क्या कहा था एलिफ को? वो कहीं चली गई है। बुरी बात है, बहुत बुरी बात, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अम्मी क्या कहा था उसे, बताए मुझे क्या कहा था? यहाँ क्या हो रहा है? बाबा एलिफ का पता नहीं, वो अचानक गायब हो गई है। लेकिन तुम अम्मी पर क्यों चिल्ला रहे हो, इसे क्या मालूम? जरूर इन्होंने ही कुछ कहा होगा, शॉपिंग पर बिनकर भैया ठीक नहीं था। तुम भी ना, तुम्हारी खातिर अपने दिल पर पत्थर रखकर उस लड़की के साथ घूमती रही, शुक्रिया ऐसे अदा करोगे? बोलो। हेलो, हाँ कहो एडम। क्या अखबार किया? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ वहां पर अभी। कौन अखबार हुआ है बेटा? एलिफ बाबा, उसके कमरे से बेहोशी की दवा की बोतल मिली है। किसने अखबार किया भला उसे? ये जरूर उस जिया ने किया होगा, उसी का काम होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? जिया का क्या ताल्लुक है एलिफ से? बाबा दो दिन पहले मुझे फोन किया था, धमकी दे रहा था। अब मैं इसका हिसाब उससे पूरी तरह लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। सब पता चल जाएगा उसे। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रहो, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। डेनिस रुको, मैं भी आ रहा हूँ। Elif! Ah! Ah!
पागल तो नहीं हो गई? सच्चाई जाननी है मुझे। पर कब्र क्यों खोद रही हो? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, बेटी जिंदा हो सकती है, हो सकता है कि ये कब्र खाली हो सकता है कि मैं इसके किनारे कई सालों से बिला वजह रो रही हूँ। ये किसने कहा तुमसे? उस जगह काम करने वाली औरत ने मरने से पहले मुझे बुलाया था। भाई ने बच्ची को ले लिया था और कहा कि कहना मुर्दा पैदा हुआ। अगर तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है तो मैं उसे इसी कब्र में डाल दूंगा। ज़िया, ज़िया, डेनिस बेटा रुक जाओ, दरवाजा खोलो, ज़िया, डेनिस क्या कर रहे हो? पागल मत बनो, तुम अपनी ही नरकतों की वजह से मुसीबत में आ जाओगे। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस को ये मसला हल करने दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है बाबा, समझ गए? नहीं छोड़ूंगा इस कमीने को। ज़िया, डेनिस, डेनिस। लड़की को मारकर तुम कहीं गायब हो जाओ। क्या हुआ? डेनिस समझ गया, पुलिस भी हरकत में आ गई है। धत तेरी, वो तो पहले ही मुझे नहीं मिल रही। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे जख्मी करके भाग गई है वो। क्या तुम्हें जख्मी कर दिया? बेवकूफ, एक लड़की को काबू नहीं कर सके? पहाड़ों पर भाग रही थी कि नीचे गिर गई कहीं, मगर मैं ढूंढ लूंगा उसे। जो करना है जल्दी करो, इस मुसीबत से जान छुड़ाओ हमारी। कहाँ है? अंदर है, अल्लाह के वास्ते उसे लेकर आओ, उसने जलील करवा दिया हम सबको। यहाँ एक एड्रेस लिखा हुआ है, वो एलिफ को लेकर वहीं गया होगा। डेनिस पागल मत बनो, तुम्हें कैसे मालूम जे वही होगा? अभी कुछ दिन पहले ही उसने धमकी दी थी कि हर चीज के लिए तैयार रहना। तुम दोनों अंदर जाओ और तमाम एविडेंस इकट्ठे करो, हर चीज की तलाशी लो और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मुझे दो। अब जाओ, तुम चाबी मुझे दो। ये लो। अब चलो। डेनिस बेटा तुम ये गलत कर रहे हो। बाबा मुझे कुछ भी हो जाए मैं उसको ढूंढ निकालूंगा, आप मेरा साथ दें या ना दें मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। कब्र खाली है, इस कब्र में कुछ नहीं है राणा, यह कब्र खाली है राणा, खाली है। यानी हमारी बेटी मरी नहीं, जिंदा है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अपनी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। हम अपनी बेटी को गले लगाएंगे, उस तक पहुंच जाएंगे। राणा जैसी मुसीबत से
कई सालों से बर्दाश्त करता चला आ रहा हूँ। हमने राणा के साथ गलत किया कुदरत, मुझे लगता है हमें उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। क्या कहना चाह रही हो तुम इंजी बेगम, क्या गलत किया मैंने? तुम सब लोग और राणा भी जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही तुम सब जिंदगी गुजारोगे। कान खोलकर मेरी ये बात सुन लो, समझ गई ना? मगर इस पर ऐसा नहीं होगा। एलिफ कहाँ हो तुम, बताओ मुझे एलिफ। एलिफ ठीक तो हो तुम? दफा हो जाओ, अल्लाह गारत करे तुम्हें, दूर रहो मुझसे। एलिफ परेशान ना हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरे करीब मत आना। एलिफ देखो फिक्र मत करो, मैं रस्सी लेके आता हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। जिया ने, या अल्लाह वो भला ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक है, हम तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। सुहेला, जिया का क्या तालुक इस सब से? इनका झगड़ा हुआ था और जिया ने डेनिस को धमकी दी थी कि एलिफ मेरी ही होगी। डेनिस ने कुछ बताया, उसे कुछ मालूम हुआ? यकीन से नहीं कह सकती। डेनिस को एक जगह का एड्रेस मिला है, वो वहीं जा रहे हैं, हो सकता है जिया वहाँ हो। यानी जिया पकड़ा जाएगा? इंशाल्लाह, संजार साहब भी साथ ही हैं उनके। हाँ सही, ऐसे सही है। वो तो मना कर रहे थे ना इस शादी के लिए, लेकिन अब खुद ही अपनी बहू को ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी। यार एड्रम तेज गाड़ी चलाओ। बेटा क्या हमें मार डालना चाहते हो? चला तो रहा है वो। पता लग गया है, जल्दी से वहां से भाग जाओ। तेरे की राना, तुम इस शख्स के साथ क्या कर रही हो? भाई कहां है? गोली मार दो साना भाई से, मार दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाबा ने अगवा करवाया उस लड़की को? देखना शनाए, ये ऐसा ही कहेगा ऐसा। जिया ने मुझे अगवा किया था और मैं बहुत मुश्किल से भागी हूँ।